केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 पहले ही जारी कर दी थी। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले मैच के लिए 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज के साथ जाने का फैसला लिया। विकेट कीपर के तौर पर KS भारत पर भरोसा जताया है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में स्पिनर के तौर पर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन को मौका मिला है। विराट कोहली इस मैच का हिस्सा नहीं है, उन्होंने पहले 2 मैच से बाहर रहने का फैसला किया था। तो वहीं ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दिखाई देंगे। तीसरे नंबर पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। टीम के पेसर्स के रूप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज होंगे। पिछली सीरीज में दोनों ने कमाल गेंदबाजी की थी। इंग्लैंड की ओर से बेन फॉक्स को भी टीम में जगह दी है, यानी वो टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे और जॉनी बेयरस्टो टीम में एक बल्लेबाज के रूप में खेलते दिखाई देंगे। टीम में जो रूट भी शामिल हैं, रूट से टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत होगी। बता दें कि टॉम हार्टले को छोड़ सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए पहले खेल चुके हैं, यानी हार्टले इस मैच में डेब्यू करते दिखेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड मुकाबले में बेसबॉल का उपयोग किस तरीके से करता है। भारत की प्लेइंग 11 टीम, रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, KS भारत जो कि विकेट कीपर है, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। और इसी के साथ इंग्लैंड प्लेइंग 11 की टीम के बारे में जानेंगे, जो हैं जैक क्रॉली, बेन डकेत, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स जो कि कप्तान है, बेन फॉक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टल, मार्क वुड, जैक लीच। तो आज हमने आपको प्लेइंग 11 भारत की टीम के बारे में और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की टीम के बारे में बताया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।